नमस्कार दोस्तों, क्रिसमस के पर्व में बहुत सारी रोचक परंपराएं होती हैं जिसके बारे में आज जानिए इस वीडियो के दौरान। अक्सर देखा जाता है कि क्रिसमस का त्यौहार 25 तारीख दिसंबर में ही मनाई जाती है, और उसमें क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यीशु का इस दिन जन्म हुआ था। इसी पर्व को खुशी के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस के दिन पर सेंटा क्लॉज बच्चों को तरह तरह के गिफ्ट देता है, और लोग सभी भारत के जितने भी लोग हैं, सभी जाति धर्म को ना भेद करते हुए इस पर्व को सभी मनाते हैं। अपने घर ट्री लेकर आते हैं और उसे फूलों से गिफ्टों से सजाते हैं और सजाकर क्रिसमस का पर्व मनाते हैं। क्रिसमस का पर्व बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन सभी लोग अपने अपने घर पर इस संपन्नता के रूप में मनाया जाता है, और इस संपन्नता को पूर्ण करता है क्रिसमस का पर्व। क्रिसमस के पर्व पर सेंटा क्लॉज का गिफ्ट देना कब से शुरू हुआ? वैसे अक्सर देखा जाता है कि वह बच्चों को गिफ्ट देना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चों को वह चीज़ें पाना अच्छा लगता है जो चीज़ की वह कामना करते हैं, और यदि सेंटा क्लॉज बनकर भी कोई गिफ्ट दे देता है तो बच्चे उस बात को जाहिर करते हैं और उस बात से खुश भी होते हैं। सेंटा क्लॉज एक यमदूत होता है, यानी कि भेजा हुआ दूत होता है, जिसके द्वारा बच्चों को गिफ्ट दिया जाता है, जिससे बच्चे मन चाहा अपना गिफ्ट मांगते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि ये गिफ्ट उन्हीं बच्चों को मिल जाता है जो बच्चे काम न करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक आम आदमी होता है जो कि एक सेंटा क्लॉज की यूनिफॉर्म पहनकर बच्चों के बीच में सेंटा क्लॉज बनकर जाता है, और बच्चों से हाय हेलो करके उस क्रिसमस के पर्व को काफ़ी हद तक सेलिब्रेट करता है। ये क्रिसमस पर्व में ये परंपराएं जरूरी होती हैं, यानी कि क्रिसमस वाले दिन पर पेड़ घर पर लेकर आते हैं, उसे फूलों से सजाना, लाइट से सजाना और उसे बीच में रख के उसकी सेलिब्रेट करना, ये सारी परंपराएं क्रिसमस की है। चर्च में जाकर यदि क्रिसमस का पर्व देखेंगे तो और भी ज़्यादा रोचक और सुंदर लगता है। यदि आप क्रिसमस पर्व के बारे में जानते हैं और उसकी परंपराओं को जानना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्रिसमस पर्व में ज़रूर भागीदारी लें, क्योंकि क्रिसमस का सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा खास माना जाता है। यदि आप क्रिसमस पर्व को और भी ज़्यादा अंदरूनी तरीके से देखना और जानना समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यीशु से जुड़ी हुई सारी बातों का ज्ञान हो, उनके बारे में ग्रंथ पढ़े हों, बाइबल पढ़िए, जिससे कि आपको पता चलेगा यीशु का जन्म कब और कैसे हुआ, जिससे कि आपको सारी ज्ञान की इच्छाएँ मिल जाएंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि क्रिसमस सेलिब्रेट अक्सर ही क्यों होता है और 25 दिसंबर को ही। सभी लोगों का यह पर्व संपत्ता के रूप में पूरा होता है, और सभी लोग इसे खुशी के साथ मनाते हैं, क्योंकि यह साल गुजर जाने के बाद नया साल आता है, और इस दिन पर ग्रीटिंग कार्ड बांटना भी यह एक परंपरा ही मानी जाती है। तो ये है क्रिसमस की कुछ रोचक परंपराएं। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।